माइकल शूमेकर 9 times वर्ल्ड चैंपियन बन सकते थे। यस, 7 times वर्ल्ड चैंपियन माइकल शूमेकर का डोमिनेंस 2000 से स्टार्ट हो गया था और ये चला था 2004 तक। उनका डोमिनेंस 1998 से भी स्टार्ट हो सकता था, बट बिकॉज ऑफ दिस गाय शूमेकर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवल ने उनका डोमिनेंस डिले कर दिया। हर स्पोर्ट्स की तरह फॉर्मूला 1 में भी हमें काफी ज्यादा राइवलरीज देखने को मिलती हैं। बट कुछ ही राइवलरीज होती हैं जो कि हिस्ट्री पे इम्पैक्ट छोड़ देती हैं। हाय, आई एम कनव, योर फ्रेंडली नेबरहुड फॉर्मूला गाय, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं 5 राइवलरीज को जिन्होंने हिस्ट्री पे एक इम्पैक्ट छोड़ दिया। बट यार, अगर तो तुम चैनल पर नए हो और मोटर स्पोर्ट से बहुत ज्यादा प्यार है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का। लेट्स स्टार्ट विद माई चाइल्डहुड हीरो सेबेस्टियन वेटल और उनके टीममेट मार्क वेबर से। दरअसल वेटल और वेबर के रिलेशन उनके टीममेट बनने से पहले ही थोड़े खराब हो गए थे। 2007 की जैपनीज ग्रांड प्री में सेबेस्टियन वेटल मार्क की कार से कोलाइड कर गए, जिससे दोनों ड्राइवर्स ही बाहर हो गए। हालांकि उस दिन वेदर कंडीशंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थे और वेटल का भी ये फर्स्ट सीजन था फॉर्मूला 1 में। मार्क वेबर ने उस टाइम सेबेस्टियन वेटल को एक इनएक्सपीरियंस किड बोला, बट उनको क्या पता था 3 साल बाद यही किड उनका टीममेट बन जाएगा। 2010 तक रेडबुल ने एक डोमिनेट कार बना ली थी एंड दोनों ड्राइवर्स चैंपियनशिप के लिए कम्पीट कर रहे थे। बॉइलिंग पॉइंट तब आया जब दोनों ड्राइवर्स कोलाइड कर गए रेस लीड के चक्कर में। इससे वेटल रेस से बाहर हो गए और मैकलर्न के लुइस हैमिल्टन ने रेस जीत ली। हालांकि वेबर ने P3 सिक्योर कर लिया था एंड टीम ने किसी भी टाइप ऑफ राइवलरी को बिल्कुल ही डिसमिस कर दिया। बट कलिजन के बाद वेटल का गुस्सा तो सबको दिख ही रहा था एंड 2013 की मलेशियन ग्रांड प्री में सबको पता चल गया कि थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड। मल्टी 21, वेटल ने पोल पोजीशन से स्टार्ट किया था बट वेबर टुक द लीड इन द स्टार्ट। दोनों ड्राइवर्स अपनी पोजीशन में कंफर्टेबल चल रहे थे और रेडबुल ने ऑर्डर दिया मल्टी मैप 2-1, यानी कि कार नंबर 2 विल लीड कार नंबर 1। बट रेस के एंड में वेटल ने वेबर पर अटैक किया और वेबर को एक फेयर्स बैटल के बाद ओवरटेक कर लिया। दिस वॉज अगेंस्ट टीम ऑर्डर्स और हॉर्नर और वेबर दोनों इससे काफी ज्यादा गुस्सा थे। वेबर ने पोडियम पे एक्यूज किया कि रेडबुल को दरअसल वेटल चला रहे हैं क्योंकि उनके डिसीजन को कभी भी कोई अपोज नहीं करता। वेटल ने पूरी टीम और वेबर को अपोलोजाइज किया एंड क्लेम किया कि उन्हें मैसेज सही से समझ नहीं आया था और उनसे ये गलती हो गई। बट 2 हफ्ते बाद ही चाइना में एक इंटरव्यू में वेटल ने बोला कि उन्हें मैसेज समझ तो नहीं आया था बट फिर भी वो मार्क को ओवरटेक करते क्योंकि मार्क वो विन डिजर्व नहीं करते थे। वेटल ने बोला, आई एम फास्टर, आई पास्ड हिम आई वन। बॉटम लाइन इज दैट I was racing, I was faster, I passed him, I won. Unfortunately, इस incident के बाद दोनों के relation काफी ज़्यादा ख़राब हो गए। Mark Webber, जिनका ये last season था, पूरे season में एक भी race नहीं जीत पाए। But अगली rivalry तो इतनी बड़ी है कि Hollywood वालों ने इसके ऊपर movie ही बना दी। रश मूवी जेम्स हंट और निकी लाउडा की राइवलरी के ऊपर बेस्ड है। दोनों ड्राइवर्स एक साथ ही बड़े हुए थे एंड जूनियर कैटेगरीज में एक दूसरे के साथ कम्पीट भी करते थे। दोनों की पर्सनैलिटीज भी काफी अलग थी। हंट काफी करिज्मेटिक और प्लेबॉय एटीट्यूड के थे जबकि निकी बहुत ज्यादा काम और कंपोज थे। ड्राइविंग स्टाइल भी दोनों का काफी अलग था। हंट काफी एग्रेसिव ड्राइवर थे जिनकी वजह से उनके काफी एक्सीडेंट भी होते रहते थे एंड इसके लिए उनको हंट द शंट भी बोला जाता था, जबकि निकी काफी ज्यादा टेक्निकल और काम ड्राइवर थे। 1975 की चैंपियनशिप हारने के बाद हंट को एक फास्टर कार चाहिए थी एंड उनको ये कार मिली भी मैकलर्न से। 1976 सीजन में हंट ने मैकलर्न से ड्राइव करने का फैसला किया और निकी अभी भी अपनी फरारी में थे जो कि काफी डोमिनेंट थी। सीजन के स्टार्ट में ही निकी ने चैंपियनशिप में लीड ले ली थी बट फिर आई जर्मन ग्रांड प्री। वेदर कंडीशंस काफी ज्यादा एक्सट्रीम थे जिससे रेस को कैंसिल करने का भी प्लान किया जा रहा था बट फिर भी FIA ने सबको गो अहेड किया। अब इसी एक्सट्रीम कंडीशंस में निकी लाउडा क्रैश कर गए। कार को आग लग गई थी और लाउडा को हॉस्पिटल भी लेकर जाया गया। इस क्रैश के कारण निकी लाउडा ने अगली 2 races मिस भी कर दी थी। हंट ने इसका फायदा उठाया और चैंपियनशिप टेबल में फर्स्ट आ गए थे। हालांकि निकी लाउडा ने अपना कमबैक किया और सीजन की लास्ट रेस तक निकी चैंपियनशिप जीत सकते थे बट हंट ने लास्ट रेस P1 पर खत्म करी और 1976 के चैंपियन बन गए। बट अगले ही साल निकी ने हंट को हराकर फिर से चैंपियनशिप जीत ली थी और ग्रेटेस्ट कमबैक स्टोरी भी लिख दी। दोनों ड्राइवर्स ने एक दूसरे को पुश किया टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम Each other. And दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। उनकी दोस्ती 1993 तक चली जब हंट की अचानक डेथ हो गई। निकी लाउडा ने यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में ये भी बोला था, People always think of us as rivals, but he was among the very few I liked, and even fewer that I respected. राइवलरी से हट के दोनों ड्राइवर्स एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट करते थे बट अगले दो ड्राइवर्स तो आज तक नाराज हैं एक दूसरे से। Well, I'm talking about best friends, then teammates, and then greatest enemies, Lewis Hamilton और Nico Rosberg की। Karting days से ही दोनों काफी अच्छे दोस्त थे
इनफैक्ट वो दोनों टीममेट भी रह चुके थे। दोनों का एक कॉमन ड्रीम था कि बड़े होके एक साथ फॉर्मूला 1 में टीममेट्स होना। बट दोनों का एक और ड्रीम था, वो था वर्ल्ड चैंपियन बनना। 2013 में हैमिल्टन मैकलर्न से मर्सिडीज आ गए एंड निको के साथ टीममेट बन गए। दोनों काफी ज्यादा खुश थे इसमें। दोनों बेस्ट फ्रेंड सिर्फ एक टीम में एंड टीम भी पूरी डोमिनेंट, बट वर्ल्ड चैंपियन तो सिर्फ एक ही बन सकता था। 2014 से ही फाइट स्टार्ट हो गई थी। फाइट स्टार्ट हुई मोनाको में जब निको ने क्वालिफिकेशन में पोल सिक्योर कर लिया। बट निको को एक्यूज किया जाता है कि उन्होंने जानबूझकर रन ऑफ एरिया में चले गए ताकि हैमिल्टन का फाइनल रन ना हो सके। अगले दिन पोल से निको ने रेस जीत ली थी और हैमिल्टन इससे थोड़ा सा नाराज थे एंड उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोल दिया था कि वो और निको अब दोस्त नहीं है। Well, we're not friends. You know, we're colleagues and we'll work to get the team as many 1-2s and points as possible. एंड फिर कुछ रेसेस बाद दोनों बेल्जियन ग्रांड प्री में क्रैश कर गए। निको हैमिल्टन को चेस कर रहे थे बट एक कॉर्नर पर दोनों ने कॉन्टैक्ट कर दिया। हैमिल्टन को इससे पंक्चर आ गया और रेस से रिटायर करना पड़ा। निको का भी फ्रंट विंग डैमेज हो गया एंड सेकंड पर ही रेस खत्म करनी पड़ी। बट विद हिज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस हैमिल्टन ने चैंपियनशिप जीत ली थी। 2015 सीजन भी दो मर्सिडीज के बीच में ही था। यूएस ग्रांड प्री में दोनों ऑलमोस्ट टकरा भी गए थे। लुइस ने निको को वाइड ऑफ द ट्रैक फोर्स किया और रेस जीत ली। इसी रेस के कूल डाउन रूम में निको काफी नाराज थे एंड इसी नाराजगी में हैमिल्टन के ऊपर टोपी दे मारी। बट 2016 में निको ने अपनी गेम अप करी। फर्स्ट 4 रेसेस में 4 विंस। बट फिर आई स्पेनिश ग्रांड प्री। रेस के फर्स्ट कॉर्नर पर ही लुइस हैमिल्टन ने एक रिस्की मूव लिया जिससे वो निको में क्रैश कर गए। मर्सिडीज 1-2 से मर्सिडीज DNF। इस रेस के बाद दोनों के रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो गए। थ्रू आउट द ईयर हैमिल्टन ने पॉइंट्स गैप को कम करने की कोशिश की बट सीजन के फाइनल रेस अबू धाबी में निको ने वर्ल्ड चैंपियनशिप उठा ली थी। फाइनली निको बीट हैमिल्टन इन सेम मशीनरी। अगले ही साल निको फॉर्मूला 1 वर्ल्ड से रिटायर कर गए एंड आज भी उनके रिलेशन हैमिल्टन के साथ कुछ खास अच्छे हैं नहीं। बट हमारे नेक्स्ट दो ड्राइवर्स के रिलेशन तो काफी ज्यादा अच्छे थे एंड दूसरे को रिस्पेक्ट भी करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट फरारी ड्राइवर माइकल शूमेकर और फ्लाइंग फिन मीका हैकेनन की। दोनों का इंटरेक्शन फॉर्मूला 1 वर्ल्ड में आने से पहले ही हो गया था। बात है 1990 F3 मकाओ GP की। उस रेस में मीका हैकेनन माइकल शूमेकर को चेस कर रहे थे बट इसी चक्कर में उनसे क्रैश कर गए, जिससे मीका हैकेनन तो DNF हो गए बट माइकल ने वो रेस जीत ली थी। नेक्स्ट टाइम दोनों 1998 में एक दूसरे के सामने थे। हैकेनन ने स्टार्ट से ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया बट माइकल ने भी थ्रू आउट द सीजन रिकवरी कर ली थी। फाइनल राउंड जापान से पहले मीका हैकेनन बस 4 पॉइंट्स आगे थे माइकल शूमेकर के। जैपनीज ग्रांड प्री में माइकल शूमेकर पोल पे थे बट उनकी कार स्टॉल कर गई जिसकी वजह से उन्हें बैक ऑफ द ग्रिड से स्टार्ट करना पड़ा। हालांकि वो अपने स्किल की वजह से P5 तो आ गए थे बट एक टायर पंक्चर की वजह से वो रिटायर कर गए एंड मीका हैकेनन बन गए थे वर्ल्ड चैंपियन। माइकल शूमेकर और फरारी डेस्परेट थे एक चैंपियनशिप के लिए तो अगले साल फाइट कंटिन्यू हुई। नेक्स्ट ईयर 1999 में माइकल शूमेकर ने स्टार्टिंग से ही लीड ले ली एंड लग रहा था कि फरारी है इस बार डोमिनेटिंग कार। बट राउंड 8 ब्रिटिश ग्रांड प्री में माइकल शूमेकर का एक मेजर एक्सीडेंट हो गया जिससे उनको लात में फ्रैक्चर हो गया एंड ऐसा लग रहा था कि उनको पूरे सीजन से रिटायर ही होना पड़ेगा। मीका हैकेनन ने इस चीज का फायदा उठाया एंड फटाफट से चैंपियनशिप की लीड में आ गए। 6 रेसेस मिस करने के बाद माइकल जब वापस आए तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी। मीका हैकेनन ने फिर से टाइटल जीत लिया था दूसरी बार बट 2000 में दोनों फरारी और शूमेकर कॉन्फिडेंट थे कि इस साल वही जीतने वाले हैं। सीजन की फर्स्ट 3 माइकल शूमेकर ने जीती थी एंड हैकेनन फर्स्ट 2 रेसेस में ही DNF हो गए थे। मीका ने एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन दिया बट माइकल इस बार डोमिनेटिंग थे एंड उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत ली थी एंड 2000 से स्टार्ट हुई थी माइकल शूमेकर की डोमिनेंस। वेल ये राइवलरी काफी ज्यादा फेयर थी बट ऑफ द ट्रैक ड्राइवर्स दोनों काफी अच्छे दोस्त थे एंड एक दूसरे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे। दोनों कुछ ना कुछ एक दूसरे को सिखाते थे एंड एक दूसरे से इंस्पिरेशन भी लेते थे। बट अगले दो ड्राइवर्स की तो राइवलरी काफी ज्यादा डर्टी है और इस बार आमने सामने थे दो लेजेंड्स एटन सेना और एलन प्रोस्ट। ये राइवलरी 1998 से स्टार्ट हो गई थी एंड चली थी 1993 तक। ये 6 सालों में इन दोनों ड्राइवर्स ने 5 बार वर्ल्ड टाइटल कुल मिला के जीता था। 1988 सीजन में दोनों मैकलर्न होंडा में टीममेट्स बने थे। दोनों उस टाइम वर्ल्ड के बेस्ट ड्राइवर थे और उनकी कार तो डोमिनेंट थी पूरी ग्रिड पे एंड ऑब्वियस था कि हमें बहुत ही अच्छी राइवलरी दोनों के बीच में देखने को मिलेगी और जो जीतेगा वो बनेगा 1988 का वर्ल्ड चैंपियन। दरअसल मैकलर्न और होंडा ने उस साल ज्यादा ही डोमिनेटिंग कार बना दी
इसीलिए 16 रेसेस में से 15 रेसेस तो मैकलर्न ने ही जीत ली। लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि शायद एलन क्रॉस बनेंगे वर्ल्ड चैंपियन क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा था, बट एटन सेना ने भी सबको दिखा दिया था कि वो यहाँ पे झक मारने नहीं आए। सेना ने बहुत ही ज्यादा अच्छी टक्कर दी क्रॉस को एंड अपनी डोमिनेटिंग स्किल्स की वजह से उन्होंने सबको इम्प्रेस भी कर दिया था। दोनों के रिलेशन मिड सीजन तक खराब होने लग पड़े जब एलन क्रॉस ने एक्यूज किया कि मैकलर्न सेना की साइड ले रहा है एंड बायस्ड है उनके अगेंस्ट। चैंपियनशिप लास्ट राउंड तक चली बट उस साल की पेनल्टीमेट रेस जापान में एटन सेना ने एलन क्रॉस को ओवरटेक कर लिया एंड रेस जीत के चैंपियनशिप भी सिक्योर कर ली थी। बट अगले साल तो रिलेशंस और ज्यादा ही खराब होने लग पड़े। 1989 की सैन मेरिनो ग्रांड प्री में दोनों ड्राइवर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गई कि हु शुड हैव टेकन द लीड। हालांकि ये सीजन क्रॉस के लिए काफी ज्यादा अच्छा जा रहा था और सेना को कैचअप करना था। फिर से हम जापान आए जहाँ पे सेना को रेस जीतनी ही थी टाइटल कंटेंशन में रहने के लिए, और एलन क्रॉस वर्ल्ड चैंपियन बन जाते अगर तो दोनों ड्राइवर ही डीएनएफ हो जाते। रेस एलन क्रॉस लीड कर रहे थे बट लैप 44 में सेना ने क्रॉस को ओवरटेक करने के चक्कर में एक रिस्की मूव ले लिया एंड दोनों फाइनल कॉर्नर पर क्रैश कर गए। क्रॉस रेस से रिटायर हो गए बट सेना ने मार्शल के कुछ हेल्प के बाद भी रेस को कंटिन्यू किया और जीत भी गए, बट इससे एफआई बिल्कुल खुश नहीं थी। एफआई के अकॉर्डिंग सेना ने हेल्प ली मार्शल से अपनी कार को स्टार्ट करने के लिए एंड इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई ही कर दिया गया रेस से। एंड इससे हुआ क्या, एलन क्रॉस बन गए 1989 के वर्ल्ड चैंपियन। सेना इस डिसीजन से काफी ज्यादा नाराज थे एंड एफआईए को एक्यूज किया कि वो एलन क्रॉस की साइड ले रहे हैं। और इस साल के एंड में एलन क्रॉस ने भी शॉकिंगली अनाउंस किया कि वो फरारी में मूव कर रहे हैं, मैकलर्न के सबसे बड़े एनिमी। 1990 में फिर से हम जाते हैं जापान एंड इस बार एटन सेना थे लीड में चैंपियनशिप के। एलन क्रॉस को कुछ भी करके रेस तो जीतनी ही थी वरना वो चैंपियनशिप हार जाते, बट सेना ने सबको अनाउंस किया कि फर्स्ट कॉर्नर के बाद तक वही लीड में रहेंगे। रेस स्टार्ट हुई विद सेना एट P1 एंड एलन क्रॉस एट P2। लाइट्स आउट होते ही एलन क्रॉस ने एक अच्छी स्टार्ट ली जिससे वो लीड में आ गए। सेना ने भी बट गिव अप नहीं किया, उन्होंने एक गैप देखा और एक एग्रेसिव मैनर में ओवरटेक करने का ट्राई किया बट टर्न वन पर दोनों क्रैश कर गए और दोनों ही रेस से आउट हो गए। ये बहुत ज्यादा ड्रामेटिक था उस टाइम पे। दोनों ड्राइवर्स डीएनएफ हो गए थे और इसका मतलब था कि एटन सेना ने चैंपियनशिप जीत ली थी, बट जब उनको इसके लिए क्रिटिसाइज किया गया था तो उन्होंने बोला था ये, एंड इफ यू नो लॉन्गर गो फॉर अ गैप दैट एग्जिस्ट यू नो लॉन्गर रेसिंग ड्राइवर बिकॉज़ वी आर कॉम्पीटिंग। Well, इस इंसिडेंट के बाद दोनों के रिलेशन थोड़े से सोर ही रहे अंटिल एलन क्रॉस की लास्ट रेस। एलन क्रॉस की लास्ट रेस में वो दोनों पोडियम पे ही थे और सेना ने उनको अपने साथ पोडियम के टॉप स्टेप पर रख लिया था एंड रिस्पेक्ट दिया था। अनफॉर्चुनेटली 1994 में सेना एक फेटल एक्सीडेंट में क्रैश कर गए एंड उनकी डेथ भी हो गई इसकी वजह से। एलन क्रॉस इससे काफी ज्यादा शॉक हो गए एंड बहुत ही बुरा लगा उन्हें। क्रॉस के अकॉर्डिंग दोनों काफी ज्यादा डीपली कनेक्टेड हैं एंड दोनों एक दूसरे को एक साथ ही याद करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रॉस देयर हिस्ट्रीज आर लिंक्ड। क्रॉस सेना को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे एंड मानते थे कि सेना ने ही उन्हें पुश किया था अपनी लिमिट्स पे। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपकी फेवरेट ड्राइवलरी कौन सी है इन सब में से। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो, टारगेट है बस 300 लाइक्स का।